द वायरल फीवर यानी कि टीवीएफ के यूट्यूब चैनल पर आजकल एक वेब सीरीज खूब धमाल मचा रही है जिसका नाम है एस्पेरेंट्स। इस सीरीज की कहानी तीन दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में रहकर यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। इस सीरीज के तीन लीड कैरेक्टर को तो लगभग सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन इसके दो साइड कैरेक्टर भी है जिसने लोगों के दिलों में खास जगह बनाया है, संदीप भैया और धैर्य। आपको तो हमने संदीप भैया के बारे में बता दिया, लेकिन धैर्य के बारे में रह गया था, तो आज का यह वीडियो धैर्य और उसके बॉलीवुड जर्नी के बारे में। धैर्या का किरदार जो लड़की निभा रही है उसका असली जीवन में नाम है नमिता दुबे। नमिता दुबे एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस है और टीवी धारावाहिक में एक्टिव है। 22 नवंबर 1990 को नमिता दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उसकी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ में ही हुई थी और आगे की एजुकेशन के लिए वो दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में एडमिशन ले ली। यहाँ से नमिता ने इंग्लिश में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आई नमिता को पहला ब्रेक मिला साल 2014 में आई फिल्म मैं तेरा हीरो में। उसमें वो एक बहुत ही छोटी सी रोल में दिखाई दी थी और नमिता को तब नोटिस भी नहीं किया गया था। इसके बाद से वह टीवी की दुनिया में बिजी हो गई। इस दौरान नमिता ये है आशिकी, ये है आशिकी सियापा इश्क का इन दोनों सीरियल में नजर आई जो बिंदास पर ऑन एयर हुआ था। नमिता को अब नोटिस भी किया जा रहा था और उसको काम भी मिल रहा था। इसके बाद वो सोनी टीवी पर आने वाले बड़े भैया की दुल्हनिया में नजर आईं, जिसमें उसके किरदार का नाम मीरा रायजादा था। इसके बाद वो कलर्स टीवी के बेपनाह में पूजा माथुर का किरदार निभाती हुई दिखी। मीरा रायजादा और पूजा माथुर का ही वह रोल था जिसने नमिता दुबे को इस इंडस्ट्री में एक नाम दी, एक पहचान दी। साल 2016 में आई विमेन सेंट्रिक फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुरखा में भी नमिता दुबे नजर आई थी। उस फिल्म में उसके किरदार का नाम था नम्रता। आकर्ष खुराना के निर्देशन में बनी फिल्म रश्मि रॉकेट में भी वो नजर आने वाली है। इस फिल्म को कोविड पैंडेमिक की वजह से अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है। चार सीरियल और पांच फिल्मों में काम करने के बाद नमिता दुबे अब फाइनली टीवीएफ में दिख रही है और लोग उसे खासा पसंद भी कर रहे हैं। खास मौकों पर नमिता की एक्टिंग एक्सप्रेशन वाकई लाजवाब है, खासकर तब जब अभिलाष और धैर्य के बीच एक सो कॉल्ड ब्रेकअप होता है और फिर मोह भंग गाना शुरू होता है। मेरे कहने से ज़्यादा इस चीज़ को आप देख कर फील कर सकते हैं। इंटरनेट पर कई लोग तो नमिता दुबे को लेटेस्ट नेशनल क्रश वाले मीम टेम्पलेट में भी जगह दे चुके हैं। नमिता को पढ़ने का काफी शौक है, यह उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखकर समझ में आ जाता है। तो यही थी धैर्य उर्फ नमिता दुबे की मनोरंजन की दुनिया में अब तक की जर्नी। नमिता दुबे को उनके आने वाले करियर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त जो दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए जो बिना किसी गॉडफादर के यहाँ तक पहुँचते हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। धैर्य का फेवरेट डायलॉग हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।